बच्चों, यह हमारा फर्स्ट चैप्टर है, लेसन वन, अनदर चांस। ठीक, अनदर चांस का मतलब होता है एक और मौका, जिसे लिखा है हेलन टेलर राइस ने। पोइम है हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस, कितनी बार हम ये कोशिश करते हैं कि हमें एक अलग मौका मिले, कितनी बार हम ये विश करते हैं। विश मतलब हम उम्मीद करते हैं या प्रे करते हैं कि हमें दूसरा चांस मिले। कब? जब हमसे कोई गलती हो जाए। टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें। ठीक, अ चांस टू ब्लॉट आउट, ब्लॉट मतलब मिटाना, अ चांस टू ब्लॉट आउट आर मिस्टेक्स, ताकि हम अपनी जो हमारी गलतियां हैं उनको हम ख़त्म कर सकें। एंड चांस फेलियर इनटू विनिंग, और अपना जो फेलियर है जिसमें हमने गलती की है उसको हम अपनी जीत में बदल सकें। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, एक नए दिन जो है वो शुरू नहीं होगा, मतलब टू मेक अ ब्रैंड न्यू स्टार्ट, अगर हमें नई शुरुआत करनी है तो हमें नए दिन की आवश्यकता नहीं है। इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर, हमें केवल डिज़ायर मतलब इच्छा शक्ति, हमें केवल एक गहरी इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। टू ट्राई विद ऑल आर हार्ट, और अपने दिल से कोशिश करने की ज़रूरत है, मतलब अगर हमें कोई नई शुरुआत करनी है तो उसके लिए हमें ना तो नया दिन चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ एक इच्छा शक्ति चाहिए और दिल से कोशिश करने की आवश्यकता है। टू लिव अ लिटिल बेटर, और एंड टू ऑलवेज बी फॉर गिविंग एंड एड अ लिटिल सनशाइन टू वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, मतलब ये जो संसार है जिसमें हम रह रहे हैं उसमें हमेशा ही कुछ अच्छा होता है। एंड टू ऑलवेज बी फॉर गिविंग, यहाँ हमें हमेशा क्षमा करने वाले बैठे हैं। एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन, जिससे हमारी ज़िंदगी में एक नया सवेरा शुरू हो सकता है, मतलब अगर हम दोबारा से शुरुआत करेंगे तो हमेशा एक नया रास्ता हमारे लिए तैयार होगा। इसलिए मुश्किलों से, मुसीबतों से कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको हमेशा ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, और ठीक करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ दिल से कोशिश करनी है और हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए कि हमें ये काम करना ही करना है। सो नेवर गिव अप इन डिसअपियर, इसलिए कभी भी अंधेरे में गिव अप मत करो, मतलब अपनी जो शक्ति है, अपनी जो डिज़ायर है उसको ख़त्म मत होने दो। ठीक है, एंड थिंक यू आर थ्रू, फॉर देयर ऑलवेज बी टुमोरो, और हमेशा ये सोचो कि हमेशा एक अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, एक नया सवेरा होता है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अन्यू, और हमेशा अपने अंदर एक होप रखो कि नई शुरुआत होगी, मतलब कभी भी अगर कुछ ऐसा हो जो नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में तो उसे गिव अप मत करो, उसे छोड़ो नहीं, बल्कि उसे ठीक करने की कोशिश करो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है।